हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हेल्दी होंगे। तो गाइस, क्या आप भी अपने स्कैल्प में अरुचि से परेशान हैं? बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और सुंदर और मोटी चोटी करना चाहते हैं, सुंदर बाल, बाउंसी बाल चाहते हैं आप भी? तो हम नॉर्मल इंग्रेडिएंट से जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उनसे आप अपने बालों को मोटा और तंदुरुस्त बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं, शाइनी बना सकते हैं, जैसे प्याज, अरंडी का तेल। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया था 2 प्याज का रस। आपके पास अगर अनियन जूस वैसे मार्केट वाला अवेलेबल है तो आप वो ले सकते हैं। मैंने घर के ही प्याज को कद्दूकस करके उसका जूस निकाला है। प्याज हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है और रूसी इन्फेक्शन सबको ठीक करती है। फिर उसके बाद मैंने सेकेंड इंग्रेडिएंट यहाँ पर लिया था, कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल हमारे बालों के लिए एक वरदान है, झड़ते बालों के लिए एक वरदान है, एक औषधि है। तो फिर मैंने यहाँ पर 2 चम्मच लिया था प्याज का रस और 1 चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। आपको रेशो समझना है, 2 चम्मच अगर प्याज का रस ले रहे हैं तो 1 चम्मच आपको कैस्टर ऑयल लेना होगा। इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। फिर इसमें हम डालेंगे एलोवेरा जेल। गाइज, आपको ये हमेशा याद रखना है, जब आप इसी तरह की रेमेडी बना रहे हैं तो मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल ही ले। तो मैंने यहाँ पर लिया है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मैं डालूँगी इसमें 1 चम्मच अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें ये 1 टाइम के लिए बनाना है। आप चाहे तो इसे 1 हफ्ते से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, और मैंने 1 टाइम के लिए बनाया है क्योंकि उससे इसकी क्वालिटी बनी रहेगी। तो इसको करूँगी मैं अच्छी तरह से मिक्स। फिर मैं इसमें डालूंगी 1 विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई हमारे बालों को लंबाई देता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, लेंथ प्रोवाइड करता है, और एक मैजिकल इंग्रेडिएंट है मेरी रेमेडी का, विटामिन ई का कैप्सूल। आप चाहे तो आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसको मैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स करूँगी। जितना अच्छी तरह से आप मिक्स करेंगे उसी तरह से आपको क्रीमी सा टेक्सचर दिखाई देगा गाइज। तो आपको मेरी छोटी सी वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच गाइज। आप देखेंगे कि कितनी सुंदर क्रीम बनकर तैयार हुई है। तो गाइज, इस रेमेडी में मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स डाले हैं वो नॉर्मल हमारे पास होते हैं। तो जैसे जैसे मैं इस क्रीम को मिक्स करूँगी बहुत ही अच्छा टेक्सचर बनता हुआ जाएगा। थोड़ा अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी, आप देखेंगे बहुत ही सुंदर क्रीम बनकर तैयार हो चुकी है मेरी। तो इसको अप्लाई करेंगे हम बालों को धोने से आधे घंटे पहले। 40-45 मिनट हमको नॉर्मल लगा के रखना है। तो गाइज़, 1 लाइक तो बनता है, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच गाइज, होप यू लाइक इट।